नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवन कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में कि आपका सोल्डरिंग आयरन करंट क्यों मारता है। अगर दोस्तों आप सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए बनाई गई है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो आप दोस्तों बाद में पछता भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप करने की गलती कतई ना करें और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से हमें एक प्यारा सा लाइक कर दें। यहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन शो हो रहा है तो इसे प्रेस करके घंटी को ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दें। यह दोस्तों बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा सारा सेटिंग हो गया है, अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। आपका कीमती समय ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ये सोल्डरिंग आयरन है जो कि दोस्तों मुझे करंट यहाँ से मारता है। और यह दोस्तों करंट क्यों मारता है तो इसका आज हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आप सोल्डरिंग करते हैं और आपका सोल्डरिंग आयरन आपको करंट मार देता है। इसकी आप दोस्तों इस प्रकार से सोल्डरिंग करते हैं तो आपके हाथ में यहाँ पे बहुत तेज से झटका लगता है। दोस्तों वह झटका क्यों लगता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में यही प्रॉब्लम थी कि हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वह करंट मार रहा था मुझे। मैं दोस्तों डर भी गया था कि यह करंट क्यों मार रहा है मुझे। दोस्तों एक मेरा मन हुआ कि मैं आज से सोल्डरिंग करना छोड़ दूंगा। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम सोल्डरिंग करते हैं और सोल्डरिंग करके हम अपने सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा देर तक, मतलब ऐसे 2-3 घंटे 4-5 घंटे ऐसे चलाते रहते हैं बिना किसी काम के। इसमें लाइन आती रहती है और हमारा हीटिंग ये होता रहता है। तो इस हीटिंग की वजह से दोस्तों हमारा क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन ख़राब भी हो जाता है। और इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा ये करंट भी मारने लगता है क्योंकि ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो इसके अंदर इस प्रकार की जो रेत होती है भरी हुई, मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे सोल्डरिंग आयरन में रेत होती है भरी हुई। तो क्या होता है ये जल जाती है और इसके अंदर जो वायर होता है, हमारे जो लोहे की परत होती है, इससे वायर टकरा जाता है। तो क्या होता है हमारे जो 220 वोल्टेज यहाँ से इन होता है तो क्या होता है कि इससे वायर टकराएगा। तो हम इस प्रकार से सोल्डरिंग करते हैं, इस प्रकार से सोल्डरिंग, तो हमारे हाथ में कभी कभी क्या होता है झटका भी लग जाता है, बहुत तेज़ का झटका लगता है दोस्तों। और मुझे झटका लगा तो दोस्तों मैं तो बिल्कुल डर ही गया था कि आज से सोल्डरिंग करना मैं तो छोड़ ही दूंगा। इसके अंदर इस प्रकार का वायर होता है जिसे दोस्तों आप नाइक्रोम वायर भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करके आपको बताते हैं कि हमें ये करंट क्यों मारता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको इस प्रकार से निकाल रहा हूँ और इसमें से इतना ये रेत जैसी निकली है। तो आप दोस्त देख सकते हैं ऐसे रेत निकली है। तो क्या होता है कि अगर ये रेत जल जाती है कहीं से भी तो हमारा जो इसके अंदर जो वायर होता है वह इस परत से टच हो जाता है तभी हमें दोस्तों करंट लगता है। तो क्या होता है कि दोस्तों हमारा ज़्यादा अगर ये सोल्डरिंग आयरन हीट हो जाएगा तो क्या होता है कि हमारे इसमें जो वायर होती है तो यह जो रेत होती है इसके लिए चारों ओर से ये घेरे हुए होती है। अगर ये रेत जल जाती है तो हमारा जो इसमें वायर लगा हुआ होता है वह इस परत से टच हो जाता है तभी हमें करंट लगता है। तो आपको दोस्तों क्या ध्यान देना है कि आपको कभी भी अपना सोल्डरिंग आयरन 4-5 घंटे नहीं चलाना है। आपका जब भी काम ख़त्म हो जाए तो आप इसे आराम से रख दें, लाइन से हटा दें, आपको लगे नहीं रहने देना। तो चलिए दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए दोस्तों हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है ओपन हो गया है। देखिए दोस्तों हमारी मेहनत है, वह रंग ले आई और यहाँ से तार दोस्तों निकल आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों यह इसके अंदर इस प्रकार के जो वायर हैं वह निकले हैं। तो हम दिखाते हैं आपको पूरा निकाल के यहाँ से। तो इसके अंदर दोस्तों दो वायर निकले हैं, हाँ निकला है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके अंदर इस प्रकार के टुकड़ियाँ निकले हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो टुकड़े हैं ये जो टूट गए हैं इसी की वजह से हमारा सोल्डरिंग आयरन है वह ख़राब हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना सारा इसमें वायर यहाँ पे निकल रहा है और अभी तक इसमें दोस्तों वायर निकल रहा है। तो पता नहीं इसमें कितना वायर यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए दोस्तों कितना वायर यहाँ पे निकला है। और इसमें जो दूसरा वाला वायर है वह भीतर से लिपटा हुआ है और ये हमारे मेन पॉइंट है। यह मेन पॉइंट हमारे
यहाँ पर आते हैं, जुड़ते हैं ये मेन पॉइंट, तभी हमारा क्या होता है सोल्डरिंग आयरन वर्क करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार की वायर होती है, और यह वायर अगर इससे, बताइए दोस्तों अगर यह वायर इससे कनेक्ट होगी, इससे मिलेगी, तो हमारा सोल्डरिंग आयरन करंट मारेगा या नहीं मारेगा दोस्तों, आप बताइए। दोस्तों आप जान गए होंगे कि आपका सोल्डरिंग आयरन होता है वह करंट क्यों मारता है आपके लिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसमें माथापच्ची हुई है, काफ़ी इसमें दिमाग लड़ाना पड़ा है, काफ़ी इसमें मेहनत लगी है हमें। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस प्रकार की वीडियो कभी भी मिस ना कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर, कुछ नई ट्रिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।